जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली मीडिया, सोशल मीडिया, अपोजिशन पार्टी और ह्यूमन राइट्स वाले इंडियन आर्मी के पीछे लग चुके हैं। उनका यह कहना है कि जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी गांव से 8 लोगों को उठाता है जिनको पूछताछ करने के लिए उठाया जाता है, उसमें से आर्मी कस्टडी में ही 3 लोगों को ठोक दिया जाता है, मार दिया जाता है। एक वीडियो भी सर्फेस किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, जहां पर यह दिखाया जा रहा है कि इंडियन आर्मी ने उन लोगों के साथ में टॉर्चर किया है। जनरल मनोज पांडे साहब पुंछ में पहुंच चुके हैं, उस इलाके पर अभी इंटरनेट शटडाउन भी चल रहा है और हमारे ही देश में रहने वाले कुछ लोग अभी इंडियन आर्मी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि इंडियन आर्मी इनोसेंट सिविलियन को मार रहा है। जो भी इंडियन आर्मी के ऊपर उंगली उठा रहा है, चाहे सोशल मीडिया पर, मीडिया पर, ह्यूमन राइट्स वाले, उन सभी से मेरा 5 सिंपल सवाल है। मेरा पहला सवाल यह है कि आप ऑलरेडी जजमेंट पास कर चुके हो कि जिनको उठाया गया, जिनको ठोक दिया गया, वो सभी इनोसेंट सिविलियन थे। आप नेशनल टीवी पर बैठ करके, यूट्यूब पर बैठ करके वीडियो बना रहे हो, आपको कैसे पता कि वो इनोसेंट सिविलियन थे या फिर गद्दार थे? अभी तक तो संवैधानिक तरीके से कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि वो सभी लोग इनोसेंट सिविलियन थे, फिर आप जजमेंट देने वाले होते कौन हो? चलिए मैं मान लेता हूं कि 50-50 चांसेस हैं, 50% चांस है कि वो गद्दार हो सकते हैं, 50% चांस है कि नहीं हो सकते हैं। अब इंडियन आर्मी के ऊपर कीचड़ उछालने वाले, आप जरा सोचिए कि अगर वो गद्दार निकले, फिर उन गद्दारों के पास में यही मैसेज जाएगा कि हम देश से गद्दारी करेंगे, हम इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को शहीद करवाएंगे, लेकिन जब हमें पकड़ा जाएगा, हमें ठोकने की बारी आएगी, तब इसी देश के ह्यूमन राइट्स वाले, अपोजिशन पार्टी के स्पोक्सपर्सन सभी हमारे पक्ष में आकर के बात करेंगे और हम बच जाएंगे। तो ये चीज जो है वो गद्दारों को एक तरीके से पुश करने वाली बात हो जाती है। तो फिर आप जजमेंट देने वाले होते कौन हो कि वो इनोसेंट सिविलियन थे? ये शब्द आप कैसे व्यवहार कर रहे हो? दूसरा मेरा सवाल ये है कि जब हमारे देश के 4 जवान शहीद हो गए, तब हमारे देश के अपोजिशन पार्टी और ह्यूमन राइट्स वाले उनके फैमिली को क्या सपोर्ट किया और किस तरीके से सपोर्ट किया, ये मैं जानना चाहता हूं। जब फौजी हमारे शहीद होते हैं तब आपका मुंह नहीं खुलता है, आपका मुंह सिर्फ तब खुलता है जब आतंकवादियों को ठोकने की या फिर ठुकाने की बात आती है। आतंकवादी के पक्ष में हमारे देश के कुछ लोग हमेशा से रहे हैं, मैंने ये देखा है सर। मेरा तीसरा सवाल यह है कि ये जो आतंकवादी आए, हमारे ही देश के भीतर घुसे, हमारे ही देश के आर्मियों के गाड़ियों के ऊपर फायर किया, वहां पर प्लानिंग बनाया, ट्रेनिंग लिया, वेपन उनके हाथ में आया, पोजीशन लेकर के वो बैठे हुए थे, लेकिन बात यह है कि आसपास के गांव वालों को कुछ पता ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है सर? मैं आपको बताता हूं, आपके घर में घुस करके अगर आपको मार करके कोई चला जाए तो जान लीजिए उसमें पड़ोसी का हाथ 110% था। जब हमारे ही देश के औरंगजेब सिपाही शेरतोकॉम, जिनका 41 साल का उम्र था, मणिपुर में उनके बच्चों के सामने से उनको उठाकर ले जाया गया और कुछ दिन के बाद उनका डेड बॉडी को रिकवर किया गया, उनके घर वालों को सौंपा गया, औरंगजेब को टॉर्चर करते हुए वीडियो बनाया गया और वही वीडियो पूरे वर्ल्ड ने देखा, तब ये ह्यूमन राइट्स वाले, अपोजिशन पार्टी के स्पोक्स पर्सन सब चुप क्यों थे सर? मेरा चौथा सवाल, कश्मीर में हाथ में पत्थर लेकर के सेनाओं के गाड़ियों के ऊपर पत्थर मारे जाते थे 2019 से पहले, अब ये पत्थर फेंकने वाले, हाथ में AK-47 लेकर के इंडियन आर्मी के ऊपर फायर करने वाले लोगों को हमारे ही देश के कुछ ह्यूमन राइट्स वाले, अपोजिशन वाले बच्चे कहते थे। उनको ये सारे गद्दार और क्रिमिनल्स बहुत ही नादान और बच्चे दिखते थे, उनको लगता था कि ये तो इनोसेंट सिविलियन है। ये जो शब्द इनोसेंट सिविलियन है ना, ये उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था उस वक्त पर जो हाथ में पत्थर लेकर के इंडियन आर्मी के ऊपर पत्थरबाजी किया करते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब अजमल कसाब को पकड़ा गया 26/11 आतंकी हमले में जिनका इन्वॉल्वेशन था, वो बहुत बड़ा आतंकवादी था, लेकिन फिर भी हमारे ही देश के कुछ लोगों को और ह्यूमन राइट्स वालों को, कुछ स्पोक्स पर्सन को, वो अजमल कसाब नादान और मासूम लगता था, ऐसा क्यों सर? मेरा पांचवा सवाल, जब 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, तब नेशनल टीवी पर बैठ करके कुछ चूतिया लोग इंडियन आर्मी से इसी सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांग रहे थे। अंदर से वो बड़े दुखी थे क्योंकि POK में घुस करके इंडियन आर्मी ने उन्हीं के भाइयों को ठोका है सर। इसीलिए इंडियन आर्मी के ऊपर उस दिन भी उंगली उठाई गई कि आपने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक किया था या फिर नहीं, इसके ऊपर भी सवाल करवाए गए। हमारे देश के फौजियों के ऊपर जिनका विश्वास नहीं है, हमारे देश के फौजियों के ऊपर हर बार सवाल किए जाते हैं, हर बार उनके काबिलियत के ऊपर शक किया जाता है, पर ये लोग हमारे ही देश के भीतर बैठे हुए हैं, जिनकी हमदर्दी सिर्फ तभी जागता है जब किसी आतंकवादियों को ठोका जाता है, जब किसी आतंकवादी को पकड़ा जाता है, जब किसी गद्दार को ठोक दिया जाता है, सिर्फ उस वक्त ये सामने आएंगे और बड़ी बड़ी बातें फेंकेंगे। आपको पता है राजौरी और पुंछ सेक्टर में पिछले 2-3 सालों में कितने सोल्जर्स ने जाने गंवाई हैं, उनके फैमिली आज कैसे सर्वाइव कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स वालों को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके फैमिली का हाल क्या है अपोजिशन पार्टी को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नेशनल टीवी और यूट्यूब पर बहुत बड़े लेवल के ऑडियंस को लेकर के बैठ करके इस तरह का सवाल कर रहे हैं इंडियन आर्मी के ऊपर, उनसे पूछिए कि जो हमारे 4 जवान रिसेंटली शहीद हुए हैं, उनके घर में वो गए थे या फिर नहीं गए थे, उनके घर में जब तिरंगे में लिपट कर लाश भेजा गया तब वो वहां पर मौजूद थे भी या फिर नहीं, उन्होंने अपने देश के सिपाहियों के लिए क्या किया है सर। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप कौन होते हो इंडियन आर्मी के ऊपर सवाल करने वाले, इंडियन आर्मी के काम के ऊपर सवाल करने वाले, जजमेंट
जजमेंट पास करने वाले कि वो इनोसेंट सिविलियन थे, आप कौन होते हो, मैं भी कोई नहीं होता हूं उनको गद्दार कहने वाले, मैं वेट कर रहा हूं जैसे ही नतीजा आएगा आप सबके सामने होगा। लेकिन आप पहले ही जजमेंट दे रहे हो कि वो इनोसेंट सिविलियन थे। ये इनोसेंट सिविलियन कौन है? ये वही है जो आतंकवादियों का साथ देते हैं। ये इनोसेंट सिविलियन वही है जो आतंकवादी को अंदर घुसने देते हैं और 26/11 जैसे भयानक हमले करवाते हैं, और जो करता है वो भी इनोसेंट सिविलियन है। कश्मीर में जो फौज के ऊपर पत्थरबाजी करता है वो इनोसेंट सिविलियन है। मुंह में कपड़ा बांध करके जो पेट्रोल बम फेंकता है वो भी इनोसेंट सिविलियन है। इनके साथ में आप खड़े होते हो, लेकिन हमारे ही देश के फौजी कितने शहीद हो रहे हैं उस एरिया पर, उसके लिए आपका दिल में कोई हमदर्दी नहीं है, कुछ नहीं है, आप चुप्पी लगा करके बैठे हुए रहते हो। ये ह्यूमन राइट्स नहीं है, ये गंदी और घिनौनी राजनीति है जो आप चलवा रहे हो, और आर्मी के तवे पर अपना रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हो, अपनी राजनीति चलाने की कोशिश करते हो। मुझे कोई भी डर नहीं है ये कहते हुए कि जिसके भी दिल में हमारे सोल्जर शहीद होने पर कोई हमदर्दी नहीं होता है, जिसके भी दिल में आतंकवादियों को लेकर के प्यार उछलने लगता है, वो सभी इस देश के गद्दार है, चाहे वो नेशनल टीवी पर बैठा हुआ है, चाहे वो यूट्यूब पर आया है। सर नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।